बिल्कुल जमी हुई है लेक लिटरली। ये दिखाएगा बारा लाचा अपना प्रचंड रूप। और ये फाइनली लास्ट डे एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी का। दोनों को छींकें आ रही है। क्या धूप है, ओए होए होए होए, रात को कोई ठंड लगी भाई साहब। देखो मैंने तो राइडिंग गियर्स भी नहीं उतारे, ऐसे ही सो गया मैंने तो। ओहो, और तीन तीन ब्लैंकेट लिए तीनों ने, फिर भी ठंड लग रही थी रात को। ओह ब्यूटीफुल। और ये कुछ है वेदर, कुछ नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना नेटवर्क है, बस यही है। मनाली से आ रहे हो तो यहाँ स्टे करो, लेह से आ रहे हो तो यहाँ स्टे करो, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इधर, बस अभी इधर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलते हैं। वो उधर जाना है, वो दोनों पहाड़ के बीच में पारा लाचला। अंदर तो बहुत, अंदर ठंडा है, बाहर सही है। आइए 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 बाबू मुशाई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, डायरेक्ट फ्रॉम सरचू, जहाँ पे नो नेटवर्क, नो पानी, नो लाइट, कुछ भी नहीं है भाई साहब। सांस भी बड़ी मुश्किल आता है। और कल रात की जो हमारा कल रात का स्टे था वो सबसे ठंडा था अब तक का। और ये है मेरी बाइक, ब्यूटीफुल बाइक, अमेजिंग बाइक, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अभी चल रहे हैं हम बारालाचा होके मनाली। और ये है 14,500 फीट, आई थिंक 15,000, 15,000 पे होगा या 14,500 पे होगा, इतने पे ही है। और आज मैं ना ये यूज़ करूँगा, ये डिकैथलॉन से जो वॉर्म वाले आते हैं ना, हैंड वाले, पैर वाले मैंने डाल लिए शूज़ पे, शूज़ पे जो अपने यहाँ पे डाल लिए दोनों। और ये मैंने ना ये टाई से ना होल्ड कर ली, क्योंकि ना जैसे मैं बाइक पर बैठ रहा हूँ तो ये ऊपर उठ रहा है, तो अब बीच में कुछ वाटर क्रॉसिंग आएगी तो जूते में पानी चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, और अपनी बाइक चल गई 11,050 किलोमीटर। अब ये पहनते हैं, ये मैं यहाँ लगा लूँगा, ग्लव्स पहन लूँगा, देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या बना है, 2 साल से रखे हैं। हाँ, पैर वाले तो काम कर रहे हैं, मेरे को हीट फील हो रही है हल्की हल्की, अभी देखते हैं काम करेंगे या नहीं करेंगे, करने तो चाहिए। गुस्सा तो दिया मैंने। चलो चलो गाइस, लास्ट पास बारा लाचा, जिसमें बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्नो है। ओके नो प्रॉब्लम, होली होली चलेंगे, होली होली। अभी रात को, कल शाम को आए थे, इतना पानी था क्योंकि सारी बर्फ़ मेल्ट हो रही थी। अभी पानी स्टार्ट हुआ है, सुबह कुछ भी नहीं था। चलो, सुबह कुछ भी नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बर्फ़ मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, पूरा एक नदी बन जाएगी ये। और ये अपना काम कर रहे हैं, पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू। ये था हमारा रेड रॉक कैंप सरचू, ये कुछ इनका फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है। ओके जी, बाय। हाँ, बल्ले बल्ले, सारा टेंट खाली था। और इनको ना हर एक टेंट का गवर्नमेंट को 225 रुपये देने पड़ते हैं डेली,
और बेचारों के कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, लेकिन पैसे डेली देने पड़ेंगे। और ये ऑफिशियली बालाजा की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और स्नो देखो आप। और एक बात बताऊं, मुझे अपने डिकैथलॉन वाले डाले थे ना गर्म वाले, वो बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब, लग रहा है मेरे को गर्म गर्म फील हो रहा है। और हमारे टेंट से सिर्फ 30 किलोमीटर है बालाजा, तो 9 बजे निकले थे तो अभी 9:20 हुए हैं। और रात को इतनी ठंड थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, मेरे दोनों फ़ोन में 40% बैटरी थी, दोनों फ़ोन डेड। और एक मेरा GoPro जिसमें 50% बैटरी थी, वो भी डेड। लेकिन ये जो जिससे जो हेलमेट पे रहता है मेरा GoPro, इसको मैं पावर बैंक के साथ लगा के रखता हूँ हमेशा, तो इसकी 95 थी, 100 थी, तो 95% ही कम हुई। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कितनी ठंड थी। ओए होए होए, वारा लाचा की स्नो भाई साहब, अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में भी इतनी स्नो है, ऊपर तो क्या ही मिलेगा। शुक्र है मौसम क्लीन है, तो आई होप ब्लैक आइस ना मिले। ये आई थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। और यहाँ से है 14 किलोमीटर, वो नीचे बोर्ड था, बोर्ड पे लिखा हुआ पहाड़ रहा था 14 किलोमीटर। और हमने जो फ्यूल कैरी किया था ना, 10 लीटर फ्यूल, 4 लीटर इसमें डाला, 4 लीटर जिक्सर में डाला, 2 लीटर इसमें डाला मेरी वाली बाइक में। और मेरी बाइक फुल दिखा रही है, ज़रूरत नहीं थी मेरी बाइक में डालने की, लेकिन अब कौन ही कैरी करता, तो डाल लिया हमने सेफ साइड के लिए। चलो भैया चलो भैया चलो, मनाली से ले तो भाई साहब वाकई में सरचू से पांग, वाकई में इरिटेटिंग। वो 100-150 किलोमीटर, आई डोंट नो कितना है, आई थिंक 100 किलोमीटर होगा वो रास्ता। तो भाई साहब सबका बाप है। और अभी वो बन जाएगा, आई थिंक 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो पक्का बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मनाली से ले जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है मनाली से, तो इस वजह से जो ट्रक जो टैक्सी जो टेम्पू सब इधर से भाई साहब, श्रीनगर से बिल्कुल खाली। मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने मनाली ले का रास्ता कर लिया, नेक्स्ट टाइम ले जाए श्रीनगर से जाए और अपना पूरा घूमे जितना घूमना है, कोई चक्कर नहीं, और श्रीनगर से वापस चला जाए। और ऐसा कुछ मेरे को कुछ ऐसा व्यू भी अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ ख़ास नहीं था कि भाई जिसके लिए हम मनाली से ले वाला रास्ता चूज़ करें, मेरी पर्सनल चॉइस है। मेरे को उधर से ज़्यादा मज़ा आया श्रीनगर से, सच बताऊँ तो। क्या व्यू था, अलग ही व्यू था। अब ये बर्फ़ है ना, बर्फ़ सारा व्यू ढक देती है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वाइट वाइट दिखता है, बिल्कुल जमी हुई है लेक लिटरली। ये दिखाएगा बालाजा अपना प्रचंड रूप विद वाटर वाटर वाटर। इजी इजी इजी, आराम आराम से चलेंगे, नो हरी। लिटरली भाई साहब बहुत बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इधर, पता नहीं क्यों नहीं मेल्ट हो रही।
अब हमारे तीनों दोनों पार्टनर आ जाएं, फिर ये क्रॉस करेंगे, ताकि अगर कुछ हो जाए तो भाई साहब कोई हेल्प करने के लिए तो हो। पहले इनको क्रॉस करने देते हैं ताकि मेरे को दिख जाए अच्छे से क्लियरली। चलो 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 चलो, हमेशा आउटर से लो, इनर से मत लो। इस तरफ से, इस तरफ देखो बिल्कुल ड्राई है, उधर बिल्कुल गीला है, क्योंकि बर्फ़ सारी उधर है, इधर तो बर्फ़ है ही नहीं। हाँ, ये वाकई में मुश्किल है। फुल ऑफ रोडिंग है, फुल पूरा ही टूटा हुआ है। ओए इजी इजी साईं, इतनी क्यों भगा रहा है ब्रो? लगेज के साथ कभी नहीं भगानी चाहिए। और 48,500 पे आ गए हम, अमेजिंग अमेजिंग। ये है बारालाचा पास, ये कुछ है बारालाचा की ब्यूटी, अमेजिंग है। मैंने भी नहीं पैर नीचे रखे, बड़ी हाइट पे है यार, 4850। ये भी बहुत हाइट पे है 4800। हाँ फोटो खींच ले, जल्दी जल्दी खींचते हैं। हाँ वेदर खराब हो रहा है देखो, अभी एक आएगा सूरज ताल। हाँ लेके, हाँ चलो चलो जल्दी चलो। चलो जी, बड़ा लाचला हो गया अपना, कूल। अभी नीचे जाते हुए देखते क्या टफ है, ऊपर आना टफ है कि नीचे जाना टफ है यहाँ से। ये बाइक की डोमिनार खड़ी है, पेट्रोल ही नहीं है, क्या रिजर्व लगी हमसे मांग रहा है, हमारे पास तो है ही नहीं। हाँ साथ चलेंगे। हाँ क्या गर्म गर्म फील हो रहा है यार यहाँ पे, ये तो काम कर रहा है बढ़िया। होए होए, मैं ना आगे आगे चलूँगा, क्योंकि ना मेरे को जब किसी को फॉलो करता हूँ ना पीछे, तो मेरे को अच्छे से दिखता नहीं है, तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब मैं आगे चलता हूँ तब सही रहता है। ओ तेरी इतनी बर्फ, और वो सामने वेदर भी ख़राब हो रहा है, कभी भी स्नोफॉल हो जाती है इधर। निकलो यहाँ से तो भैया, ये आई थिंक सूरज ताल, ये है भैया सूरज ताल, जमा पड़ा है सूरज ताल का पूरा। हाँ यही है सूरज ताल। अब तक का सबसे ठंडा पास है ये हमारा। वो देखो सूरज था। हाँ ये देखो भाई साहब, ये देखो मान गए। पूरे 15 में आ जाएगी, मान गए। हाँ अड़ तो 6 दिन हो गए। हाँ मुझे लगा पता नहीं क्या आया, आने दे आने दे। और ये फाइनली लास्ट डे एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी का, बड़ा मजा आया।
बस 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 ज्यादा नहीं, तेरे को वैसे भी ठंड ज्यादा लगती है, आ जा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम नीचे उतर गए और ट्रैफिक देखो आप, ओए हो, ट्रक्स ही ट्रक्स, ट्रक्स ही ट्रक्स, ओ माय गॉड, बच गए भाई साहब। ये तो आगे तो ना एक ही लेन है, एक आएगा जाएगा, और ऊपर चढ़ने वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। तो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई, वेदर ख़राब हो गया ना, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। और भाई साहब ये रास्ता, मेरे ख्याल से यही सबसे मुश्किल है। होई 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 होई, निकल गई निकल गई। हाँ पैर भी नहीं रखे मैंने, लिटरली इतनी इजी, इतनी इजी। अब यार हमारा पार्टनर निकल गया निकल गया निकल गया, आ गया आ गया वो भी। चलो चलो फाइनली अपना पारा लाचा भी हो गया, सब यहाँ रुके हैं, यहाँ रुक के कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और फिर डायरेक्ट निकलते हैं मनाली। और भाई साहब क्या वो पानी था, अमेजिंग, फुल एडवेंचर, पारा लाचा शुरू होने से ख़त्म होने तक। सबसे मुश्किल था वो वाला ना, अभी लास्ट वाला सबसे मुश्किल, बताओ अब तक इतना, अब तक हाँ इतना हाफ टायर था इसका, इतना हाफ टायर था, अब तक सब कुछ सही, कोई पानी नहीं, और लास्ट वाले दिन ही इतना पानी, फुल पानी। लेकिन सही है, तीनों की बाइक इजीली निकल गई है ना, तीनों की बाइक इजीली निकली, किसी की बाइक में कोई इशू नहीं। बस अब यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं सीधा मनाली, मनाली स्टे करेंगे। यार टाइम हो गया है अभी 11 भी नहीं बजे, आ जा भाई। ये हाँ, ये बंदा ही बहुत बढ़िया चला रहा है। फाइनली 10 दिन के बाद जीवन देखने को मिला, पेड़ पौधे हरा भरा, हो इतना अच्छा लग रहा है ना, दिमाग ख़राब हो गया था वो देख देख के, बंजर चट्टाने। शुरू शुरू में तो अच्छी लगती हैं वो, फिर ये होता है कि भाई साहब ये क्या ही हो रहा है। अब आया ना मज़ा पहाड़ों वाला, वो देखो सामने, अभी ये डारचा था, डारचा पे वो करवानी थी एंट्री, एंट्री हो गई है, अब सीधा चलेंगे मनाली। और भाई साहब इतने सारे टेस्टिंग व्हीकल है ना, ये भी टेस्टिंग व्हीकल है, कौन सा है ये, महिंद्रा ना, टाटा 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 लग रही है, हुंडई टाटा, पता नहीं कितने सारे थे। पाइन ट्रीज की क्या खुशबू आ रही है ना, ओहो, क्या मज़ा आ रहा है, हिमाचल हिमाचल है भाई। ना ना मेरे हिसाब से तो हिमाचल से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेह लद्दाख ठीक है अपनी जगह अच्छा है, लेकिन हिमाचल तो अलग ही खुशबू है, वहाँ तो सब कुछ ही बंजर है ना, ना कोई खुशबू, ना कुछ, ना पेड़, ना पौधा, ना कोई लोग रहते हैं। यहाँ देखो आप, ये है रियल माउंटेंस। अभी ले से लेके यहाँ तक यही पेट्रोल पंप है, तो अभी देखते हैं अपनी बाइक में कितना फ्यूल आएगा। चार डंडे में से एक डंडा ही कम हुआ है, आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ले से मनाली आए तो, बीच में कैरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं, हिमालयन वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं डलवा के देखता हूँ कितना फ्यूल आएगा। 2 लीटर मैंने डलवाया था सरचू में, मेरे पास बोतल थी तो 2 लीटर डाल दिया था, बच गया था, बस इतना ही जाएगा, पकड़ के रखना। यह आया 6.70, तो मतलब मेरी बाइक ने तेल खाया ले से यहाँ तक 8.70, 2 लीटर मैंने बोतल से डाला था, 8.70 पेट्रोल खाया है। वाह यार क्या एवरेज दिया, साइन निकल गया सीधा। तो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिसके पास हिमालयन है तो 10-11 लीटर तेल खा लेगी ये, मतलब ले से मनाली आराम से पहुंच जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इस बाइक में कैरी करने की पेट्रोल। और इसने भाई ने पावर वाला डाला, सिंपल वाला डाला ही नहीं है, यहाँ पे यही गेम खेलते हैं। थर्ड अटैम्प्ट है मेरा अटल टनल को क्रॉस करने का, 2 बार उधर से ट्राई करा नहीं हुआ, अब इधर से होगा, इधर से तो कोई रोकता ही नहीं। अटल टनल को पार कर देंगे हम।
चलो गाइस रोड के बीच में फोटो कमाल है। ये लो जी अटल टनल में मैं बैठ गया मेरी बाइक पे। क्या सुकून मिल रहा है मनाली साइड आके। लिटरली भाई साहब जिंदगी तो यही है। 12 लाचा के बाद तो अलग ही दुनिया है। लास्ट टाइम आया था भाई साहब बर्फ ही बर्फ। अब गर्मी। अब यहाँ भीड़ देखो फोटो खिंचवाने वालों की। भैया यहाँ ना नंबर आने का फोटो फाटो का। चलो सीधा। ये है आज का हमारा स्टे और ये जितना भी सारा सामान है ये सारा इस आदमी का अकेले का साई का। ये देखो ओ तेरी ये सारा लगेज साई का। अरे काली बैग है वो। ये एक पीयूष का है बाकी ये सब कुछ साई का। अब ये यहाँ से यही है, वो काली बैग है। खाली कहाँ है वो देख रहा टैंक बैग। अरे बैग काली है उसको पीयूष का है। आज का स्टे हमारा यहाँ पे मनाली से मतलब कुल्लू में स्टे करा हमने। मनाली में तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी और कोई होटल खाली मिल ही नहीं रहा था हमें। तो हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं जहाँ पे बढ़िया होटल मिलेगा वहाँ स्टे कर लेंगे। और मौसम बहुत ख़राब है